दौर था हमारे क्रिकेट में 2016-17-18 जब कोचेस चेंज होते गए, और ऐसा सुनने में आया कि जो दो सीनियर प्लेयर उनमें बात कुछ उतनी बन नहीं रही, उस स्ट्रेस की वजह से परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि 11 लोग तो जब होते हैं साथ में तो ऐसे नहीं कि सब एक दूसरे के साथ ही होते हैं, इंडिया के लिए खेलना अलग होता है। लेकिन आप आपके बारे में या मिताली के बारे में या उनके मैनेजर के बारे में बातें बाहर आए, उससे स्ट्रेस बहुत हुआ, क्योंकि अगर आप कप्तान है मिताली टीम में, मिताली कप्तान है आप टीम में है, तो वो स्ट्रेस बनता है या आप कैसे क्या माहौल बनता है कि आप वो स्ट्रेस को दूर करें? सर एक्चुअली मैं बहुत इजी गोइंग पर्सन हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि लड़कियों को डोमिनेट करते हैं, या फिर जैसे मैंने बोला कि जो मेरे पेरेंट्स मुझे उनसे परमिशन दी खेलने के लिए, लेकिन बाकी के लोग आकर मना कर देते थे कि यार क्यों खिला रहे हो, क्यों लड़कों साथ को घुमा रहे हो, क्योंकि मैंने शुरू से बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी थी। और मेरे पापा ने मुझे डे वन से बोला था कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना उसको हमेशा इग्नोर कर दो, उसको एक कान से निकालो दूसरे से निकाल दो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर आप अपने अंदर रोक के रखोगे तो वो आपको हार्म करती हैं, आपके लिए हार्मफुल होती हैं, दूसरे को पता भी नहीं चलता कि उसने क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया, किस मूड में बोला था, आप बेकार में बैठे उसको जज करते रहते हो। तो मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास ना कोई सोशल मीडिया है, ना मेरे पास, मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस भी 10-10 दिन के बाद जब मुझे लगता है कि यार आज मुझे पढ़ लेना चाहिए तब पढ़ती हूँ, क्योंकि जब मैं किसी ऐसी चीज़ के टच में ही नहीं हूँ तो मुझे वो चीज़ें अफेक्ट भी नहीं करती, मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता ऐसी चीज़ों से। जैसे आपने बोला मैनेजर की बातें बाहर आई या कुछ ये सब चीज़ें, ये तो मैंने तो देखा भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था, तो थिंग्स तो मुझे मेरे टीममेट्स ने दिखाई कि दिस थिंग्स आर हैपनिंग, आई वाज जस्ट लाफिंग, छोड़ो यार क्या करना है, कुछ लेना है कुछ मतलब, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा आप लोगों को क्या करना है, जस्ट लीव इट। मैंने इसलिए पूछा, जैसे फर्ज करें सचिन 194 पे राहुल ने डिक्लेयर किया, पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात हो गई थी 2004, राइट सर, लेकिन दो बड़े प्लेयर थे, जैसे आप और मिताली दो बड़े प्लेयर हैं टीम के, सचिन और राहुल ने कहा देखो मुझे पसंद नहीं आया, राहुल ने कहा मुझे डिक्लेरेशन करना चाहिए था, वो खैर वो अलग कहानी है जो भी, लेकिन दोनों ने हाथ मिलाया और कहा कि नहीं इंडिया के लिए हमको साथ खेलना है। और फिर जब आप 20 साल खेलते हैं तो डिफरेंसेस आते रहते हैं, तो ऐसे टीम में माहौल बनाने वाले भी कोई हैं कि, क्योंकि दो सीनियर प्लेयरों के बीच अगर मतभेद हो गए तो टीम के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हाँ सर, क्योंकि ऐसे लोग थे, अभी आई थिंक इट्स नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म टू टेक द नेम, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर रहे हैं, बहुत बड़े लोग रहे हैं वो लोग, क्योंकि ऐसे जब एक अच्छी टीम बन जाती है, एक मतलब जिस टीम का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो जाता है, उसमें फिर ऐसी चीज़ें भी बहुत नॉर्मल होती रहती हैं। तो आई थिंक मिताली दी बहुत मेरे से बहुत सीनियर हैं, आई थिंक मैंने तो उनका हाफ भी नहीं खेला अभी, उनको 20 साल हो चुके हैं क्रिकेट खेलते हुए, तो उनके साथ मेरा तो कुछ कंपैरिजन है भी नहीं, और ना ही मुझे उनके साथ कुछ ऐसा कुछ अपने आप को कंपेयर भी करना है, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने जो वुमेन क्रिकेट को दिया है आई थिंक वो मैं दे भी नहीं पाती अगर मैं उनके साथ स्टार्ट करती, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था वो तब से टीम को चलाते हुए आ रहे हैं, टीम के लिए अच्छा करते हुए आ रहे हैं, मैंने तो तब करना स्टार्ट करा है जब ऑलरेडी वी हैड समथिंग टू डू। तो आई थिंक वो तो उनकी मेजॉरिटी थी, या फिर कह लो कि मेरी थी, कि हमने कभी एक दूसरे की वजह से टीम को कभी ऐसा फील नहीं होने दिया, कि या फिर ग्राउंड में कभी ऐसा शो नहीं होने दिया कि कुछ ऐसा हुआ था या कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ठीक है, कभी कभी होता है कि बड़े भी मिस्टेक कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई माफ़ कर दे या कोई उसको इग्नोर कर दे तो वो चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि मेरे अंदर माफ़ करने की कैपेसिटी बहुत है, दूसरा मुझे ऐसी चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो मैंने कभी इन चीज़ों को कुछ ऐसा कभी फील भी नहीं होने दिया। आई थिंक एक भी मेरा टीममेट या फिर कोचेज ऐसे नहीं हो गए जिनको मेरे से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ उनको कभी मिताली दी को कुछ ऐसा फील भी हुआ होगा, लेकिन दीज थिंग्स आर वेरी नॉर्मल, इनको ज़्यादा ना ही कीजिए तो अच्छा। आई थिंक आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, वी रिस्पेक्ट, आपके सामने तो हम लास्ट टाइम मिले थे, वी मेट सो नाइसली, किसी को लगा भी नहीं होगा कुछ ऐसा है, वो दो थिंग्स वर वेरी वेरी स्मॉल, कुछ था भी नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पिक्चर्स को बहुत बड़ा करके दिखाने की आदत होती है, बस उनकी वजह से कुछ हुआ, बिकॉज वी तो यूज लाफ कि यार कुछ था भी नहीं, इतना क्यों बोल रहे हैं, इतना क्यों कुछ कैसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है,
मैंने उनको हमेशा ग्राउंड पे रिस्पेक्ट करा, उन्होंने हमेशा मुझे रिस्पेक्ट करा. कभी हमने ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं करा कि जैसे टीम वालों को खड़े हो गए जैसे देखना पड़ेगी यार ये क्या चल रहा है ग्राउंड पे. कुछ भी ऐसा नहीं है सर, आई थिंक कुछ ऐसा नहीं है. एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज ओके. आई थिंक सब अच्छा है.